नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल इजी आर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरे वीडियोस के आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल है एक्सप्रेशंस ऑफ लेग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो पैर के डिफरेंट जेस्टर्स होते हैं, पोजेज होते हैं, और जितने डायरेक्शंस में जो पोजेज होते हैं, प्रोफाइल व्यूज होते हैं, हम उनको ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, पहले हमने यहाँ पहले स्टेप में मैं आपको थोड़ा बहुत जो नी जॉइंट्स होते हैं, घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, उसके बारे में स्टडी करके बता रही हूँ, ड्रॉ करके बता रही हूँ, जिससे आपको पैर की ड्राइंग करने में आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों, जब हम पैर की ड्राइंग करते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग को घुटने की ड्राइंग करते समय थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है, थोड़ा बहुत कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूमिंग ड्राइंग करके आपको बता रही हूँ, एक हिस्से को लेकर पैर के ड्राइंग कर रही हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले स्टेप में मैंने राइट लेग फ्रंट व्यू बनाया है, जिसका जब हम लोग घुटने को सामने से देखते हैं, पैर के इस हिस्से को सामने से देखते हैं, तब हमारा घुटने का हिस्सा कैसे दिखता है, उस पोज को मैंने बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने अंदर से पैर की हड्डियों को भी, मतलब जो घुटने की हड्डी होती है, घुटने के आसपास की जो हड्डियां होती हैं, उसको भी मैंने हल्का सा ड्रॉ कर लिया है पैर के अंदर, आउटलाइन के अंदर। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने हल्का सा शेड भी कर लिया है, हल्का सा शेड भी कर लिया है जो मेन फिगर है हड्डी का, जिससे आपको ये पता चल सके कि पैर की हड्डियों की बनावट कैसी होती है, घुटने की हड्डियों की बनावट। या और ड्राइंग को थोड़ा सा मैंने आउटलाइन भी कर लिया है, लेबल। ये जो हमारी पहली उंगली होती है, इसको फेबुला हड्डी है, ये फेबुला है, फीमर है, पैटेला जिसको बोलते हैं हम लोग, पैटेला लिगामेंट, और ये टीबिया है, यानी जो हमारे पैर की जो फिल्ली होती है उसको बोलते हैं फीमर बोन, जिससे जो हमारे पैर की जांग की हड्डी होती है और शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। तो यहाँ पर अब हम घुटने के साइड व्यू को ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारा घुटना कैसा दिखता। तो फिबुला ये हमारे घुटने के पीछे की जो हड्डी होती है उसको मैंने ड्रॉ किया है। ये राइट लेग फ्रंट व्यू हमारा तैयार है, दो पोज। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरे पोज को ड्रॉ करेंगे। ये दोस्तों हमारा राइट साइड व्यू तैयार है पोज का, और ये दोनों पोज आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर दिया है ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। एनाटॉमी स्टडी लेग के इस हिस्से की बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। और आप थर्ड पोज की ड्राइंग को देखिए, हमारे थर्ड पोज की ड्राइंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे घुटने का तीसरा पोज होता है, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पर भी मैंने पैर की हड्डियों को दोस्तों, जो घुटने की जो हड्डी होती है उसको बना के दिखाया, जिससे आपको घुटने की ड्राइंग समझ में आए। और मेन मैं हड्डी को ही फ्रेंड्स कलर करके बता रही हूँ, शेड करके बता रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये हमारे पैर की हड्डी है, और ये बाकी का जो एरिया मैंने आउटलाइन कर रखा है, ये हमारे शरीर का स्किन लेवल जो है, स्किन की जो परत होती है हमारे पैर की, वो है। ये हमारे लेफ्ट साइड व्यू है, ये हमारी फीमर बोन हो गई, और ये हमारे पैटेला बोन हो गई, पैर की पैटेला लिगामेंट, जो पैटेला बोन के नीचे का हिस्सा है, फिब्युला जो कि हमारी फिल्ली होती है पैर की, टिबिया जो कि हमारे पैर के आगे का हिस्सा होता है टखने की तरफ से। अब दोस्तों, आप फोर्थ पोज को आप हमारे देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। अब हम लोग फोर्थ पोज बनाएंगे घुटने का। ये जो फोर्थ पोज है, इसको मैंने यहाँ पे घुटने की उस अवस्था को दिखाया, जब हमारी पैर की इसमें हड्डी थोड़ी सी मुड़ी हुई, पैर जब मुड़ा होता है तब हमारी हड्डी का मूवमेंट क्या होता है अंदर से, आप देख सकते हैं मैंने इसको ड्रॉ किया है। जब पैर का हिस्सा मुड़ा होता है, ये उस अवस्था की ड्रॉइंग है घुटने के हिस्से की। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिपीट करके बताया है, और मैंने हड्डी जो होती है उस वो पता चले हड्डी की ड्राइंग, इस वजह से मैंने हड्डी की ड्राइंग को थोड़ा सा शेड कर दिया है फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया फ्रंट पोज। आप देख सकते हैं मैंने सीरियल नंबरिंग भी कर दी है फ्रंट नी जॉइंट,
जब घुटना हल्का सा झुका रहता है, इस फ्रंट नी बेंट व्यू, इसको हम इस पोज को बोलेंगे। अब हम अपने फिफ्थ पोज को ड्रॉ कर रहे हैं, घुटने के फिफ्थ पोज को। जब साइड से हमारा पैर मुड़ा होता है, साइड से हमारा घुटना झुका होता है, देख सकते हैं मैं हड्डियों को कैसे आउटलाइन कर रही हूँ। हड्डियों के नाम वही हैं फ्रेंड्स, खाली इसमें मैंने घुटने के पोज को बदला है। ये हमारा राइट साइड नी बेंट व्यू है। तो दोस्तों, अब हम अपने दूसरे स्टेप में आ गए हैं। दूसरे स्टेप में फुल लेग जॉइंट व्यू बना रहे हैं। यानी दोस्तों, हम यहाँ पे जो पैर के जो पूरे पूरे जोड़ की ड्राइंग होती है, पूरे जॉइंट्स होते हैं पैर का, जो पूरा हिस्सा होता है, फुल लेग जो होता है, उसकी पैर की फुल ड्राइंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब तक मैंने केवल घुटने का थोड़ा थोड़ा हिस्से का पोज आपको बताया था। ऐसा मैंने दोस्तों इसलिए किया जिससे आपको आसानी हो घुटने की ड्राइंग को समझने में, क्योंकि घुटने की ड्राइंग मेन होती है। ये हमारे पैर की ड्राइंग का को बैलेंस करती है, सिमेट्री होती है ये हमारे पैर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फुल ड्राइंग कैसे कर रही हूँ। ये हमारे फुल लेग का जो ड्राइंग है, ये थोड़ा सा मैं ब्लॉक मेथड का इस्तेमाल करते हुए और बोन मेथड ड्राइंग का इस्तेमाल करते हुए, मैंने हड्डियों का अंदाजा लेते हुए, हल्की हल्की हड्डियों की ड्राइंग करते हुए पैर को आउटलाइन किया। पहले मैंने हल्के हाथों से ड्राइंग की है, फिर मैंने ड्राइंग को थोड़ा सा डार्क कर लिया है, और उंगली के फुट का जो हिस्सा ड्रॉ किया वहां पे उंगली के एरिया को थोड़ा सा मार्क कर लिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे फर्स्ट पोज की ड्राइंग तैयार है। और यहाँ पर मैं आपको लेबल भी करके बता रही हूँ, नेमिंग भी करके बता रही हूँ कि ये हमारे पैर की ड्राइंग में क्या क्या जो हिस्सा है हमारे पैर का, वो आप ध्यान से देखिए। बाइसेप लेग, थाई, नी, टीबिया लिगामेंट, ये हमारा फर्स्ट पोज जो है फुल लेग का तैयार है, फ्रंट व्यू फुल लेग पोज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। अपने इस स्टेप में हम ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंड पोज फुल लेग का, पूरे पैर का जो पूरा हिस्सा होता है उसके दूसरे पोज को ड्रॉ कर रहे हैं, बैक व्यू को। जब हम यहाँ पे दोस्तों पैर के पूरे हिस्से को ड्रॉ कर रहे हैं, जब हमारा पैर का हम हिस्सा पीछे से देखते हैं तो कैसा दिखता है, पर्सपेक्टिव का ध्यान देते हुए यहाँ पर मैं ड्रॉइंग कर रही हूँ पैर की। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा हड्डियों पे भी ड्राइंग की, हड्डियों की ड्राइंग की है, जिससे आपको पता चल सके कि हमारे पैर की कौन सी हड्डी कहाँ होती है। हल्का हल्का ब्लॉक मेथड को फॉलो करते हुए मैंने ड्राइंग की है इसमें। ये हमारा हिप लाइन एरिया है, उसके बाद मैंने थाई लाइन एरिया को कैसे ड्राइंग किया ड्रॉ किया है, और फिर जो टीबिया यानी लिगामेंट जो हमारे फीमर की नीचे की हड्डी होती है, उस हिस्से को मैंने ड्रॉ किया है, और फिर उसके बाद लिगामेंट के बाद फुट के हिस्से को ड्रॉ किया है। और ड्राइंग को अब हम आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पे ड्राइंग हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने इसको लेबल भी कर लिया है, हिप एरिया, बाइसेप्स ऑफ लेग, आउटर हेड और इनर हेड हमारे फुट का, और फिट जो कि एंकल हमारा है, उस एडी का हिस्सा, उसको भी मैंने लेबल कर दिया है। फुल पोज ऑफ लेग बैक व्यू। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी जो है इन्हीं ड्राइंग्स का हल्का सा पोर्शन लेके जांग का आपको ड्रॉ करके बताई हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कैसे शेड करके हल्की हल्की ड्राइंग मैंने यहाँ पे बताई है, जिससे आपको हड्डी और घुटने की हड्डी के बीच का डिस्टेंस आपको पता चल सके। इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का सा ड्राइंग कर दी है कि थाई की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, थाई की हड्डी को फीमर बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर लिया। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, दूसरा स्टेप का ड्राइंग मैं कर रही हूँ। जो दूसरा स्टेप जो फुल लेग बॉडी का मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बॉडी के फुल लेग के हिस्से का, आप ध्यान से देखिएगा। जो मैंने जांघ का थोड़ा सा हिस्सा ड्रॉ किया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं इसका साइड पोज ड्रॉ कर रही हूँ। इससे आपको
एक बॉडी जो हमारे जांघ की ड्राइंग है वो कैसी होती है वो मैंने यहाँ पे करके बताई है एक बार फिर से। और अब देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पोज को ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने बेस लाइन को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद पैर की मेन हड्डियों के हिस्से को मार्क कर लिया है और हल्की हल्की आउटलाइन को मैंने डार्क कर लिया है। ये हमारा साइड जो पोज होता है फुल लेग का, ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये उंगलियों को मैंने डिटेल में मार्क कर लिया है। जैसा कि हर बार मैं अपनी हर ड्राइंग में बताती हूँ कि ड्राइंग को करने के बाद हल्का हल्का शेड कर लिया जाता है जिससे ड्राइंग और अट्रैक्टिव लगती है। चिंग मेथड्स के साथ मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ड्राइंग को मैंने कैसे शेड किया है और हल्का हल्का ड्राइंग को उभारने के लिए मैंने बीच बीच में मैंने हल्का सा डार्कली आउटलाइन भी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं हड्डियों के नाम भी वो कर ले रही हूँ, लेबल कर ले रही हूँ। हमारे जो पैर के जितने पार्ट्स हैं उनके नेम को मैंने एंड टू शुरू से लेके एंड तक लेबल कर लिया है। आप देख सकते हैं अब हमारा ये पोज तैयार है ड्राइंग इसकी राइट साइड लेग व्यू जेस्चर। अब हम अपने नेक्स्ट पोज को ड्रॉ करेंगे, फोर्थ नंबर ऑफ पोज, जिसमें हम अपने लेफ्ट पोज को ड्रॉ करेंगे। इसी ड्राइंग को लेफ्ट में करके ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल उसी तरह मैंने हड्डियों का अंदाजा लेते हुए पर्सपेक्टिव के साथ मूवमेंट जो है सर्किल पे फोकस करते हुए बनाया है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे ड्राइंग की है। पहले मैंने हिप एरिया को बनाने के लिए हल्का सा उस एरिया के सर्किल को फोकस करते हुए सर्किल फॉर्म को ड्रॉ किया। फिर उसके बाद नीचे जांघ के हिस्से को ड्रॉ करने के लिए उसकी चौड़ाई का अंदाजा लगाते हुए प्रोपोर्शन वाइज ड्रॉइंग की है। दोस्तों पैर की ड्राइंग में हमें प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होता है, बैलेंस होना चाहिए। अगर हम दो पैर की ड्राइंग यहाँ पर करें, लेकिन यहाँ पर अभी मैं केवल एक पैर की ड्राइंग कर रही हूँ जिससे आपको पोजेस की नॉलेज हो सके। जो मेन मेन पोजेस होते हैं वो मैंने बताए हैं यहाँ पर। इसके बाद अभी हम लोग दोस्तों इसमें हमारे जो लेग के जो मूवमेंट्स होते हैं कि हम कितनी अवस्थाओं में बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, वो सब भी मैं बताऊंगी ड्रॉ करके। इसमें भी दोस्तों हम लेबलिंग कर लेंगे, जो कि ये साइड व्यू है हमारे लेग का, थाई का, नी, हमारे घुटने का पिछला हिस्सा जो है टीबिया यानी हमारे पैर की फिल्ली यानी लिगामेंट, फीट यानी उसके बाद एंकल, एंकल यानी एड़ी, और ये हमारा फोर्थ पोज की ड्राइंग तैयार है यानी लेफ्ट साइड फुल लेग व्यू या लेग जेस्चर। इसकी मैंने हल्की सी जांघ की ड्राइंग इसी की ड्राइंग करके दिखाई है, इसी की ड्राइंग का हल्का सा रफ स्केच करके दिखाया है आपको जिससे आपको जांघ की डायरेक्शन का अंदाजा मिल सके। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर आ गए। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ आपको पैर के जितने भी डायरेक्शंस होते हैं, कैसे हम बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे हमारे पैर की मूवमेंट्स होती है, एक्शंस होते हैं, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट मूवमेंट जो लेग का है वो ड्रॉ किया, जेस्चर जो ड्रॉ किया है वो जब हम बैठते हैं तब हमारे बैठने की अवस्था कैसी होती है पैर की, वो उसको मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है। पहले मैंने हल्की सी आउटलाइन करके एरिया कंपोज करने के लिए कितने एरिया में मुझे अपनी इस ड्राइंग को कंपोज करना है उसको मैंने ड्रॉ करके हल्का सा आउटलाइन कर लिया। फिर मेन आउटलाइन मैंने डार्क की है। फिर उसके बाद मैंने जो बॉटम हिस्सा होता है कमर का हिस्सा हल्का सा ड्रॉ कर लिया है जिससे हमारी ड्राइंग और बैलेंस लगे पैर की। और यहाँ पे अब इसको पहले पोज को हम शेड कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से शेड करते हुए दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। दोस्तों हमें पैर की जो ड्राइंग होती है जितने भी डिफरेंट तरीके के पोस्चर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं उसमें हमें दोस्तों ड्राइंग में पैर के बैठने की अवस्था, चौड़ाई और प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होता है। ड्राइंग में इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी जब हम जांघ की ड्राइंग करें तो जांघ की मोटाई पर जरूर ध्यान दें कि ड्राइंग में ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि जांघ का अगर एक हिस्सा मोटा है और दूसरा पतला है तो इससे ड्राइंग बेकार लगती है। ड्राइंग में
वो अट्रैक्शन नहीं होता है, बैलेंस नहीं होती है ड्राइंग, जैसा कि हमें हमारी ड्राइंग में जो डिमांड होती है एनाटॉमी स्टडी में कि बैलेंस और प्रोपोर्शन का हमें जो खास ख्याल रखना होता है, बस इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और पैर की ड्राइंग में तो हमें मेन इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। अब ये देखिए आप नेक्स्ट पोज में कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब हम पैर थोड़ा सा इस पोज में जो ड्रॉ कर रही हूँ मैं, पैर एक पैर जो है वो जमीन के हिस्से पे है और एक जो है पैर उठा हुआ है। यहाँ पर मैंने नाखूनों में डिटेलिंग कर ली है दोस्तों। मैंने यहाँ पर रिदम मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए पहले हल्का हल्का आउटलाइन किया है, स्ट्रक्चर जो है फॉर्म किया है पैर का इमेजिनरी लाइन के साथ। आप देख सकते हैं ये ड्राइंग यहाँ पे लगभग कंप्लीट होने वाली है। उंगलियों का मुड़ाव देखिए दोस्तों, पैर का जो कर्व है वो कैसा है, पैर में जब हम बैठते हैं कैसा मुड़ाव आता है पैर में, कमर किस तरह से मुड़ती जब हम बैठते हैं, उस हिस्से को भी मैंने ड्रॉ किया है। कमर के हिस्से को दोस्तों इसी वजह से ड्रॉ किया जिससे हमें पता चल सके कि हमारी शरीर का ऊपरी हिस्से का कैसा मूवमेंट होता है जब हम पैर को अलग अलग डिफरेंट पोजेज में मोड़ कर बैठते हैं। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ड्राइंग को थोड़ा सा उभारने के लिए डिटेलिंग की है, मैंने यहाँ पे शेडिंग की है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं शेड कर रही हूँ, और ड्राइंग को थोड़ा सा बेस देने के लिए मैंने नीचे से डार्कली शेड किया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोज की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग को मैंने और डिटेल कर लिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं ये हमारा पोज जो है लगभग तैयार हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं अगले पोज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अगला पोज किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जांग के हल्के से हिस्से को ड्रॉ करके बताया है कि मैं अब नेक्स्ट पोज में इस तरह से जो बनाने जा रही हूँ हिस्सा, जब हमारा पैर आधा जमीन पर होता है और आधा मुड़ा रहता है जब हम रनिंग पोजीशन में होते हैं। जब हम रनिंग पोजीशन में होते हैं या फाइट जैसे फाइटर्स होते हैं फाइट करते हैं, तो उस दौरान जो उनकी पोजीशन होती है इस तरह की भी पोजीशन को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये ड्राइंग मैंने यहाँ कैसे की है दोस्तों, वेल बैलेंस देखिए ड्राइंग किस तरह से बैलेंस है। और मैंने यहाँ पे हड्डी का हल्का सा स्ट्रक्चर जो है आउटलाइन किया है पहले, तब मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रही हूँ मेन और डार्क कर रही हूँ आउटलाइन को। दोस्तों ड्राइंग की एक एक हिस्से को एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, शेड कैसे किया है, कलर कैसे किया है, और घुटने की ड्राइंग को मैंने यहाँ पर अभी कैसे उभारूंगी घुटने के हिस्से को शेड करके, आप ये भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया कि जब हम मेन फिगर को लाइट शेड करते हैं, लाइट कलर करते हैं, तो हम बैकग्राउंड में जो हम बैकग्राउंड एरिया को जब कलर करेंगे या शेड करेंगे तो डार्क में करेंगे। अगर हमारी ड्राइंग लाइट है तो बैकग्राउंड डार्क शेड होगा, अगर हमारा मेन फिगर डार्क कलर है या डार्क शेड किया हुआ है तो हमें बैकग्राउंड को लाइट शेड करना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्राइंग लगभग तैयार है, हल्की सी मैं फिनिशिंग भी कर रही हूँ शेडिंग के साथ इसमें, जिससे ड्राइंग पूरी कंप्लीट लगे। अब घुटने के हिस्से को उभारने के लिए मैंने हल्का सा उधर शेड किया है उस हिस्से में। और हल्का सा डार्क भी कर लिया है, और बैकग्राउंड एरिया को देखिए मैंने कैसे एचिंग मेथड के साथ मैंने शेड किया है। टीबिया के हिस्से को भी मैंने शेड कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये पोज लगभग लगभग तैयार हो चुका है। अब आप देखिए
ड्राइंग को ध्यान से, और हम अपने नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चलते हैं तब चलते हुए हमारी पैर की मूवमेंट क्या होती है, कैसी होती है। साइड से यहाँ पर मैंने बनाया है हाफ प्रोफाइल जो होता है हमारे पैर का, चलते हुए मूवमेंट का, वो मैंने यहाँ पे बनाकर बताया है आपको। आप देख सकते हैं कैसे मैंने ड्राइंग की है। ब्लॉक मेथड का इस्तेमाल करते हुए पैर की चौड़ाई और लंबाई को मैंने ध्यान में रखते हुए ड्राइंग की है। आप देख सकते हैं दोस्तों ड्राइंग कैसे मैंने की कर रखी है पैर की। पीछे से हमारे जब हम चलते हैं तो पीछे से हमारा पैर का जेस्चर कैसा होता है, पोजीशन कैसी होती है, मूवमेंट कैसा होता है, उसको मैंने अपने ड्राइंग में दिखाया है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि पैर की लगभग ये ड्राइंग मैंने थोड़ा सा लंबाई पे ध्यान दिया है और जांघ की चौड़ाई बराबर है। ये पोज यहाँ पर लगभग कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। दोस्तों आप एक बार इस ड्राइंग को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इससे थोड़ा सा सिमिलर जो पोज है वो बनाएंगे, लेकिन वो पोज थोड़ा सा फ्रंट में होगा। हम जब खड़े होते हैं एक पैर पर जोर देकर एक पैर के बल खड़े होते हैं और हमारा एक पैर का हिस्सा मुड़ा होता है, वो उसकी आउटलाइन मैंने कैसे की है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ड्राइंग के एक एक हिस्से को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्राइंग मैंने कैसे आउटलाइन की है, कलर मैं कैसे कर रही हूँ ड्राइंग में अपनी, और फिनिशिंग कैसे की है ड्राइंग में। दोस्तों इस तरह की ड्राइंग पर स्टडी करने के लिए एनाटॉमी ड्राइंग पर केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस ही मस्ट होती है ड्राइंग में। यहाँ पर मैंने ड्राइंग को कैसे डिटेल किया है आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने अगले फुल लेग पोज स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं लेग का वो हिस्सा जब हमारा पैर आधा ऊपर उठा होता है या किसी चीज़ के को बेस बनाकर रखा होता है होता है हमारा पैर। एक पैर हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बना है वो ज़मीन पे है, और एक पैर ज़मीन पे है, और एक पैर जो है हमारा किसी चीज़ के सहारे टिका हुआ है और मुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। यहाँ पे पहले मैंने हल्की ड्राइंग की, हल्के हाथों से पेंसिल चलाई लाइटली बिल्कुल, और फिर मैंने ड्राइंग को डार्क कर लिया है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने ड्राइंग को डार्क किया, और पैर की जो चौड़ाई है मोटाई है पैर की उस पे ध्यान से देखिए, जो थिकनेस है लेग की वो बराबर है। उंगलियों में मैंने डिटेलिंग की है, यहाँ पर हल्का सा मैंने कलर कर लिया है क्लोथ के हिस्से को। आप दोस्तों ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्राइंग को लगभग शेड कर लिया है, आउटलाइन भी कर लिया है अच्छे से। दोस्तों पैर की ड्राइंग करना इतना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा शुरू में हमारे बिगनर्स ध्यान से सुन लें, शुरू में हमें थोड़ा सा पैर की ड्राइंग को समझने में दिक्कत हो सकती है। बस इसमें थोड़ा सा पैर की हड्डियों पर आप अगर स्टडी कर लें कि पैर की हड्डियां कौन सी कहाँ होती हैं और कौन सी हड्डी किस शरीर के किस हिस्से की है हमारे पैर के, उससे हमें पैर की ड्राइंग में जो है पैर की जो फुल ड्राइंग होती है उसे आसानी से हम समझ सकते हैं। दोस्तों ऐसे इस तरह की ड्राइंग को करने के लिए सबसे पहले आपको घुटने की हड्डियों पर स्टडी करना होगा, क्योंकि घुटने की हड्डियों से ही हमें पैर के ऊपर और नीचे के हिस्से की जो हड्डी होती है उसके डिस्टेंस का पता चलता है, सिमेट्री
का पता चलता है। हमें लेग के प्रोपोर्शन पर भी ध्यान देना होता है, लेग ड्राइंग के प्रोपोर्शन पर। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पर्सपेक्टिव पर ध्यान दिया है, जो हम अगला पोज ड्रॉ किया है मैंने पोज लेग का। जब हम पीछे से कोई इंसान लेटा होता है और हम उसको पीछे से देखते हैं तो हमारे पैर की हड्डी कैसी दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हड्डियों को ड्रॉ किया है और पैर का डायरेक्शन कैसा होता है। दोस्तों इसकी मैंने रफ स्केच भी अभी मैं करके बताऊंगी यहाँ पर इन पोजेस की। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो पोज है वो आगे से जो हमारा हिस्सा होता है, जब हम लेटे होते हैं तब हमारे पैर की आगे से मुद्रा कैसी होती है आप देख सकते हैं, कैसे होता है हमारा जेस्चर पैर का या मूवमेंट कैसा होता है। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे आउटलाइन को डार्क कर लिया है, ड्राइंग इस ड्राइंग की आउटलाइन को, जांग के हिस्से को मैंने हल्का सा शेड कर लिया जिससे पता चले कि जांग की मोटाई पता चले, इस वजह से मैंने ड्राइंग को शेड किया है। ड्राइंग उभर कर आए और अच्छी लगे, ड्राइंग देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। थोड़ा सा डेप्थ को दिखाते हुए मैंने हैचिंग मेथड के साथ शेडिंग की है और पीछे से सीने का हिस्सा हल्का सा दिखाया है, जिससे हमारे जो बॉडी होती है जब हम लेटे रहते हैं तो हमारा फ्रंट हिस्सा बॉडी का कैसे दिखता है ऊपर का लेटते समय, उस हिस्से को मैंने ड्रॉ किया है। अब आप यहाँ पर अगले पोज को देख सकते हैं, जो हमारे पैर की ड्राइंग होती है, यहाँ पर जांग कैसी होती है जब जांग ऊपर की ओर उठी होती है, उसकी हड्डी भी मैंने बनाकर बताई है जिससे दोस्तों पैर की पोजीशन जो होती है जांग की वो भी पता चल सके। फुल लेग स्टडी का ये वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो ड्राइंग में आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल आज का। ये हमने रफ स्केच बनाई है आइडेंटिफिकेशन के लिए जिससे आपको पता चल सके। दोस्तों अब हमारी ये ड्राइंग यहाँ पर लगभग सारी तैयार हैं, आप देख सकते हैं मैंने सारे पोजेस की लेबलिंग की है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लेबलिंग की है पैर के सभी हिस्सों की। घुटने के सभी पोजेस की ड्राइंग एक बार देख लीजिए, उनकी हड्डियों की ड्राइंग के साथ मैंने समझने में आसानी इसलिए कैसे ड्रॉ की है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।